सोशल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये मोदी जी के नारे पांच साल पहले के नारे याद है आपको? ये डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया वाला किस प्रकार से उन्होंने हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये भी उनका नारा था। चिल्लाते फिरते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, 2 करोड़ तो छोड़िए, आप 20 लोगों का नाम बता दीजिए नरसिंहपुर और होशंगाबाद से जिनको रोजगार मिला हो। आपने किस प्रकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया? और मोदी जी के बारे में क्या कहें, क्या कहें? जितने बड़े बड़ी बातें करते थे मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं किसके अच्छे दिन आए? इतना चिल्लाते थे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, मैं बताऊं किसके अच्छे दिन आए? भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके पास 2 व्हीलर नहीं थी, अब 4-4 4 व्हीलर लेके घूमते हैं, उनके अच्छे दिन आए हैं। और अब तो मोदी जी ये अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। याद रखिएगा कि अब तो आखिरी दिन आ रहे हैं, आपके आखिरी दिन आने वाले हैं। देश की जनता ने, हमारे मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी जी को अच्छी तरह पहचान लिया है। और ये जो ये हमेशा मुझे याद है किस तरह ये चिल्लाते थे, गंगा साफ करेंगे, गंगा साफ करेंगे, नर्मदा साफ करेंगे। कितनी यात्राएं करें हमारे शिवराज सिंह जी ने, कितनी यात्राएं करें, क्या क्या कहा, कितना वृक्षारोपण होगा। मैंने तो हेलीकॉप्टर से गया था देखने के लिए, ये 600 करोड़ रूपये का कौन सा वृक्षारोपण हुआ है। ये ऐसा घोटाला, और मोदी जी का ऐसा घोटाला, गंगा साफ होगी, गंगा तो साफ हुई नहीं, ये बैंक जरूर साफ कर गए। जिनकी नीयत नहीं साफ है वो क्या गंगा साफ करेंगे? ये सब बातें जो मैं कह रहा था, ये तस्वीर आप सबके सामने के नेतृत्व में, जैसे कि 5 साल पहले देश असुरक्षित था, सबसे ज्यादा आतंकी हमले कब हुए? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मैं संसद में बैठा था जब आतंकी हमला हुआ था। किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये तो आंकड़े बताते हैं। और लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।